अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स एंड माय नेम इज डॉक्टर मुबीन अंसारी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, हमारे साथ पहले भी आए थे, तो डॉक्टर जवाद तरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज अ डेमोंस्ट्रेटर इन प्रोस्टोडोंटी डिपार्टमेंट इन बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और भाई हैं मेरे बड़े प्यारे, तो मैंने आज इनको इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है सिर्फ आप लोगों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए। चले स्टार्ट करते हैं, और जो मैं क्वेश्चन करूंगा आप गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। आप मुझे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम, कीमती टाइम में से वक्त निकाला और इन स्टूडेंट्स के लिए आप आए हमारे पास, और हमारे चैनल में आपको हमने इनवाइट किया हुआ था, आप बड़ी मुश्किल से आते हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी बहुत दफ़ा कहते हैं, दो दफ़ा हमारा पहले इंटरेक्शन हो चुका है, और इस दफ़ा बाई चांस आप मुल्तान पहुंच गए, तो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया, वरना वो वर्चुअल इंटरेक्शन रहता है हमारा तकरीबन 24 आवर्स। जी जी, वो तो थैंक यू, बस आप इतनी एफर्ट कर रहे हो इस कम्युनिटी के लिए, एंड होप सो कहते हैं ना कि ये जो आपकी मेहनत है दूसरों के लिए, कहते हैं कारकर्दगी आपकी अच्छी दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो थैंक यू सो मच अगेन आप आए। बस अब थोड़ा लेट है सेशन, हमने थोड़ा सा लेट रखा है जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस करने के बाद भी थोड़ा बंदा टाइम रखता है। बिल्कुल ऐसी है, और बड़े अच्छे आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, ये बड़ी वर्थ है इन कॉम्प्लीमेंट्स की, और आपने इतनी दुआ दी उसके लिए आमीन। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइज, आज का टॉपिक ये है कि जो प्रॉफ का पेपर होता है BDS के, जो प्रॉफ है UHS का, उसका जो पेपर होता है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर के अंदर कैसे लिखना है। लोग बहुत एंड टाइम पे ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। सर मुझे ये बताएं ना ज़रा, कैसे बंदा अटैम्प्ट करे पेपर, ये बड़ी परेशान है वहाँ। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग, आपकी पूरी फैमिली COVID-19 से तमाम लोग खैर खरीद से होंगे, और जिन लोगों को खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला खैर करे, अपनी सेहत में रखे, अपनी ईमान में रखे, अगर किसी को हुआ है तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए, और जो एक्सपोज हो चुके हैं उनको भी सेहत दे, जिनको अभी बारी नहीं लगी अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और रहा एग्ज़ाम्स का, एग्ज़ाम्स प्रेशर, बेशक वो टॉपर हो, बेशक वो मीडियोकर हो, बेशक वो सप्ली होल्डर हो, सबका बराबर होता है, सिर्फ वे आप कैसे लेते हो, प्रिटेंड आपका कैसे है कि पता चल रहा है कि मैंने कितनी तैयारी की है, तो उसके मुताबिक टेंशन लेवल ज़्यादा होता है। टॉपर कहेगा मैंने मार्क्स अच्छे लेने हैं, मुझे टॉप करना है, उसको उसकी टेंशन होगी। सप्ली होल्डर जा रहा है या मीडियोकर है, उसको सिर्फ पास होने की टेंशन होगी। तैयारी दोनों की बराबर होती है, पढ़ा सब ने वही होता है, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन का फ़र्क होता है, मैंने कितना पढ़ा, मैंने कितना, मेरा एम है, एम का फ़र्क है। उसने टॉप करना है वो टॉप की टेंशन लेते, एक ने पास होना है उसे पास होने की टेंशन लेना है, तो ये स्ट्रेस है। मेरे टाइम के ऊपर आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, आई फेस की जैसे मुझे रात को फरिश्ते लेने आ गए। मैंने एनाटॉमी की किताब रखी, तकरीबन 12 किताबें जितनी की एनाटॉमी थी सारी की सारी मैंने रखी, और मैं पागलों की तरह बैठा हूँ, एक पेज रात को, एग्जाम्स वाली रात, आखिरकार तबीयत अपसेट, लेट गया, जिस्म ठंडा, ऊपर से बुलावा लगता था आ गया। वो स्ट्रेस हम सबका बराबर होता है, उसको कंट्रोल करने का तरीका कार यही है, इसलिए एग्जाम्स के लिए कहते हैं कि रेस्ट, एक रात पहले रेस्ट करें। बट वो टॉपर है या मीडियोकर है या सप्ली होल्डर या फेलियर है, उसने रेस्ट नहीं करना, मानना उसने नहीं है फिर भी बात, क्योंकि आखिरी रात का जो कहते हैं पढ़ा हुआ है ना, आपको आगे तक फायदा दे जाता है। बाकी सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का, अब क्योंकि इंटायरली फोकस हमारा फाइनल ईयर है, क्योंकि एक पेपर ओरल सर्जरी का हम लोग, मैं उस बैच से हो जिसका अब तक का एक वर्स्ट रिजल्ट आया था सर्जरी के अंदर, सेम वो हिस्ट्री रिपीट हुई है 1-2 साल के बाद। व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, मुझे आज भी याद है कि जब मैं पेपर कर रहा था, सर उठाया, आई सॉ एवरीवन वाज ब्लैंक, रेड फेस, स्वेटिंग, आई वाज लाइक लगता है सबकी लगने वाली है। मैंने स्टेप इन रखा, बाहर निकला, बाहर आया, देखा एवरीवन वाज, एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने रिटर्न कह दिया था कि दिस विल बी सर्जरी का वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट, एंड आई रिमेंबर
शायद 280 के करीब सप्लियाँ थी टोटल फाइनल ईयर की, जिसमें सेगमेंट 260 या 265 वाज एंटायरली ऑफ ओरल सर्जरी। सही। पेपर मुश्किल आता है सर। अब पेपर बनाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड हमारे ऑनरेबल हैं, एक ओपन एंडेड जब क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। आंसर सेम होते हैं, कंसेप्ट वो आपसे वही पूछना चाह रहे हैं, बट एंड में एक लाइन देते हैं, हम सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। ये देखें ना कि अब इतना मुश्किल अगर पेपर आ गया, फॉर एग्जांपल सर्जरी कई जैसे मुश्किल आता है हर दफ़ा ओरल सर्जरी, इतना मुश्किल आ गया, इतना कि आपने पेपर को देखा, आपको जो दो चार क्वेश्चन आ भी रहे थे वही भूल गए, अब उस सूरत में क्या करें हम? क्या वहाँ पे पेपर छोड़ दें? पहला एम यही होता है कि 3 नंबर का सवाल है, आप अटेम्प्ट करोगे यू माइट गो थ्रू, आपको फौरन कोई तुक्का लग जाए, आपका 1-1.5 नंबर बचा लोगे तो कैसे जी। बट मसला सिंपल यह है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं। मेरे समेत मैं खुद हुआ हूँ, मैं आपसे कहूँ कि मैं कोई आई एम टॉपर, नो, आई एम जस्ट, जो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, मालिक का, जस्ट पास होके बाहर बैठे हुए, और जिस बेस पे आपसे बात होती सारी जी, जी। तो बात सीधी सी ये है कि मुझे आज भी याद है कि पेपर के एम सी क्यूज बेस की अगर बात करें तो एम सी क्यूज कभी कभार हमारे होते हैं इस तरह की, ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, चूज द बेस्ट आंसर, वह हम मुश्किल। एक एमसीक्यू मुझे आज भी याद है, एमसीक्यू आया कि बंदा बेहोश हो गया, आपके पास आपको नहीं पता किस बेसिस पे बेहोश हो गया, उसको क्या दोगे? ग्लूकोज दोगे, ग्लूकागॉन दोगे, टॉफी खिला दोगे, या क्या इस तरह के ऑप्शन है? टेक्निकली सारे ऑप्शन सही है, अवेलेबिलिटी किस चीज़ की आपने उसके मुताबिक आपने आंसर देना। बिल्कुल, चूज द बेस्ट आंसर। मेरे लिए होगा ग्लूकोस, आपके लिए शायद हो जाए टॉफी, कि मैं भाई मैं जल्दी से टॉफी खिला के उसे कहूँ मीठा ठीक हो गया तो कहेगा आई एम फाइन। बात है ऐसे मौके पे हम सारे हाथ पांव फुला बैठते हैं, अगर उस वक्त हमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया तो यू विल बी पास्ट, ना किया तो माजरत के साथ सर्जरी है या कोई भी सब्जेक्ट है आप नहीं होंगे। मतलब कि सर ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, मेरी, चाहे आपको आता हो या मेरी ना, बातों को शायद आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रही हूँ जी, जी। मेरा सिर्फ हमारा काम, क्योंकि मेरा जिस फॉरम से ताल्लुक है वो है बीडीएस पॉइंट, आप लोग सारे उस पॉइंट से वाकिफ हैं, मैं आमना बहन है, अंश भाई हैं, जरक है और अमल बहन है, फजर बहन है, मोहित भाई हैं, सब लोग हैं, और एक उसके पीछे एक विजन रहा है, जस्ट टू सर्व द बीडीएस कम्युनिटी, ये हमारा एम था, एम है, इंशाल्लाह एम रहेगा। बिल्कुल सर सही कह रहे हो, तो मतलब है कि काफ़ी हमारे लिए ना बेनिफिशियल चीज़ें इन लोगों ने इकट्ठी करके रखी हो। तो सर अब ये बताएं सर्जरी का तो इनके लिए मतलब है कि कुछ ना कुछ हो गया, अब बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी जो आवाम बैठी हुई है, ठीक है, उनका क्या सीन है? वो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए ना, ये हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से सिर्फ एक पॉइंट है कि इमोशनल अटैचमेंट से थोड़ा दूर होकर सोचा करें, सारे इमोशनल अटैचमेंट, मेरी बात कड़वी है लगेगी, हम सारे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एग्जाम्स डिले हो गए, दिस एग्जाम वाज नॉट डिलेड बिकॉज ऑफ यू, दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ अस, आवर के अस और इवन यू कैन से कोविड। सो इमोशनली अटैच होना, रिस्पेक्ट छोड़ देना, आई सॉ द बीडीएस पीपल और द एमबीबीएस पीपल और द एनीवन अब्यूजिंग द वीसी, अब्यूजिंग द टीचर्स, सॉरी यार, बट ये देख लो आप सारे, हमारा कभी ऐसा विजन नहीं होगा, कभी एम नहीं होगा। मसला ये है कि आप लोग को कहोगे कि यार कौन होता है बोलने वाला, बट द थिंग इज हम लोग खुद ख़राब कर लेते हैं, हम मौका देते हैं। बात तो ठीक है, और इसलिए है कि मेरा अब जो ये वाला सेशन है कि हमें बाकी वालों को क्या करना है, बाकी वालों के लिए सेशन हम अलग रख लेंगे, उस पर दोबारा बात कर लेंगे, ठीक हो, क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर को लैदा, सेकंड ईयर को लैदा, थर्ड ईयर को लैदा, फाइनल ईयर को लैदा। अभी का सिंपल ये है कि जस्ट यू पीपल नीड अ मोटिवेशन, आप लोग कह दो कि मैं खत्म हो गई या हो गया, नहीं यार, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ, योर प्रैक्टिकल लाइफ, इंशाल्लाह 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 आप सारे पास हो जाएंगे। आप तो इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि यूएचएस तक बात चली जाए, यूएचएस के अच्छा बच्चों को ऐसी ऐसी होप्स भी आ रही है, वो भी कुछ ना कुछ सुन रहा होगा। तो सीधी सी है कि आप लोग अपना पढ़ें, बुक रीड करें, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस भाई ने, जिस डॉक्टर साहिबा साहिबांस ने बुक पढ़ी है वो फेल नहीं होगा।
सही बात। मेरे पेपर के अंदर एक पॉइंट था, राइट डाउन द कमेंट ऑन दिस, कमेंट ऑन दिस, कमेंट का मतलब होता है 1-2-3 लाइंस, बट सवाल का आंसर वो है हम ब्लैंक हो गए थे कि यार इसका आंसर क्या होगा, ओपन एंड क्वेश्चन। पैरियो का पेपर ओपन एंडेड आया था मेरे वक्त, सर्जरी का पेपर ओपन एंडेड आया है, और सीडी के अंदर एमसीक्यूज ओपन एंडेड आ गए थे। सो ओपन एंडेड एमसीक्यूज के अंदर फिर रेशियो ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, और बस आपसे यही गुजारिश है कि क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, 5-6 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन 3-4 दिन जितने भी दिन रह जाते हैं ना पेपर में, आपने बुक का साथ नहीं छोड़ना। आपको आपके ऊपर डिप्रेशन आएगा ज़रूर, ये आता है हर एक के ऊपर आता है कि बुक पढ़ने को दिल नहीं करता, मैं इधर से देख लूँ, नेट से देख लूँ, वहाँ से देख लूँ, लेकिन आपने अपने आप को बिठाना है, आपने बुक के सामने अपने आप को बिठाए रखना है। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, हम लोगों पे भी आता था, हम भी बुक के सामने बैठे। सॉरी डॉक्टर वबीन, आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, आप लोगों ने, क्योंकि इस वक्त आपको मैं कहूँ ये पॉइंट पढ़ लो, ये पॉइंट पढ़ लो, नहीं, जिसने जो पढ़ लिया वो अपने ऊपर उस पर कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक। कॉन्फिडेंट होने का सिंपल सबसे पहली चीज़ है। एक और चीज़, अल्लाह ताला का जरिया बनाए, उनको जरिया बनाए, उनसे मांगे, उनसे दुआ करें। बिल्कुल, रोज़ रात को या सुबह को दुआए हाजत पढ़ें, दो नवाफिल अदा करें, तो नवाफिल अदा करने के बाद आप अपने उस दिन की तैयारी करें, और सुबह के वक्त जब पेपर देने जाएं, हाजिद के नवाफिल की दोबारा पढ़ के अल्लाह से दुआ करके बुक्स हाथ लेके ना जाएं, और हजूर सल्लम के सदके, आले औलाद के सदके, तमाम अंबिया कराम के सदके दुआ मांगे अल्लाह पाक से, और चल पड़े पेपर के लिए। हम लोग कहते हैं हम अपने पे यकीन कर बैठते हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं करते। अल्लाह पे यकीन रखोगे तो अपने पे यकीन आएगा, वाइस वर्सा होता है। क्योंकि मोटिवेशन की बातें हैं, मोटिवेशन के अंदर यही आएगा कि जस्ट होप। मैं मुझसे आप में से यू पीपल हैव माय नंबर, मैनी पीपल हैव माय नंबर, इफ़ यू डोंट हैव माय नंबर आप मेरा नंबर ले लें, अंस भाई का ले लें, अंस भाई खैर अवेलेबल नहीं होते ज़्यादातर, हम में से किसी का भी ले लें। डिप्रेशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में अगर आप लोग जाते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7। बाकी रहा बुक्स का, बुक तक रहें, यूक्यूज़ करें, मॉडल पेपर के एमसीक्यूज करें, और जो आपको डॉक्टर मुबीन ने सेशन में बता रहे हैं पहले पहले कि कौन से चैप्टर के, वो आप एज इट इज़ फॉलो करें। मैं आपको एक एक लाइन नहीं बता रहा, मेरा काम है जैसा होप देना, मोटिवेट करना, क्योंकि मोटिवेशन होगी तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड। डिप्रेस फॉर्म में गए तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन। एमसीक्यूज के वक़्त भी से लेके एग्जाम तक निकलने तक, अब उस ऊपर वाली ज़ात पे यकीन रखना है इंशाल्लाह। अब ये नहीं होता पढ़ा कुछ नहीं अल्लाह पे छोड़ दो जाके, हाँ नहीं, ये अल्लाह चंगा करे सी नहीं, वो ये ना हो। थैंक वंस अगेन, आप लोगों को विश यू गुड लक। 8th of July इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी इट्स एन एग्जाम डे, और आज है फर्स्ट, मींस आई थिंक क्या डे बनता है, वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे फर्स्ट जुलाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबीन, आप आए, और इस सेशन से पहले हमारा जो लूडो का सेशन हुआ है, क्योंकि एक फ़न टाइम भी होना चाहिए। बहुत हम लोगों ने क्या नाम है कहते हैं लूडो खेल के एक दूसरे की गोटियाँ मारी, जब हो के उसके बाद हमने ये सेशन आप लोगों के रिकॉर्ड किया है। चले जी, आज की वीडियो जो है हमारे लिए जितनी बेनिफिशियल सर ने बना दी है, तो मैं इनका थैंक यू करूँगा सर, आपने इतना टाइम निकाला और इन स्टूडेंट्स को गाइड किया। इंशाल्लाह आपका और हमारा ताल्लुक रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह देखिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग हम चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके लिए। डॉक्टर मुबीन एक जी सर, जी सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम लोग ना एक रिक्वेस्ट करो, एडवाइस समझें, डिप्रेस लोगों से दूर रहें, हम सिट विद द पॉजिटिव पीपल टू गेट द पॉजिटिव वाइब्स। सही बात, ये चीज़ें थोड़ा देखें, कितने शेरा नाल बाओ तो शेरा नाल जिगरा आएगा। सॉरी मुझे ना पंजाबी पूरी आती है, तो इसलिए अगर मिक्स हो जाए तो डोंट माइंड, ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, मायूसी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, नो डाउट। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका है कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता, बट सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोली हम मोमिन ही खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, तो मींस वी लैक समथिंग ना, सो ये चीज़ आपने नहीं करनी, होपफुल रहना है,
हजरत सल्लम से के सदके से आपने मांगना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और हम लोगों के लिए भी दुआ करनी है, और कोई गलती कोताही हो भी जाती है ना तो उसमें अपनी माफ़ी मांगे तो हम लोगों के लिए भी माफ़ी मांगे। बहुत अच्छी बात सर, ठीक है। और थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबीन, आपने स्पेशल टाइम निकाला क्योंकि आपने एक दिन लेट किया मेरी वजह से, इस्लामाबाद की वजह से, इस्लामाबाद नहीं गए सर, कोई बात कल मौसम की वजह से भी था और प्लस एक और शुगर भी हमारे साथ लगा था वो ऐसे ही आई नीड टू मेंशन भूल गए थे कुछ मैं मेमोरी कार्ड भूल गया था इसका कैमरा तो हमारा सेशन तो इस वजह से सो ही इज अ गुड पर्सन ही इज वर्किंग सो हार्ड फॉर डेंटिस्ट्री सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी थिंग सर्जरी के अलावा भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और हिम और एनी बी डी स्पॉइंट एडमिन विश यू गुड लक थैंक यू सर थैंक यू सो मच और चलें जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा हो गया लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था मेरी नज़र में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए सर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।